सुमित शर्मा, रायपुर से बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं बहुजन समाज पार्टी ने। तो बीएसपी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। दाऊ राम रत्नाकर, इंदु बंजारी समेत 9 नाम सूची में शामिल है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। पहली सूची जारी की है, प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। दाऊ राम रत्नाकर, इंदु बंजारे समेत 9 नाम इस सूची में शामिल। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, हमारे डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अभिषेक, बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी हुई प्रत्याशियों की। बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी ने आज अपने 9 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। इस 9 लिस्ट में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दाऊ राम रत्नाकर भी शामिल हैं और बताया जा रहा है कि इन सभी 9 लोगों ने मायावती से पहले मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद मायावती ने जब अप्रूवल दिया है उसके बाद ये सूची आज जारी कर दी गई है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी से बसपा के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दाऊ राम रत्नाकर है उनको टिकट दी गई है। बेमेतरा से नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश वाजपेयी, जांजगीर चांपा से राधेश्याम सूर्यवंशी, शक्ति जिले से जयजयपुर से केशव प्रसाद चंद्रा, जांजगीर चांपा के पामगढ़ से इंदु बंजारे और अकलतरा से डॉक्टर विनोद शर्मा, सारंगढ़ से बिलाईगढ़ जिले के श्याम टंडन। तो ये कुछ ऐसे नाम है जो की बसपा ने जारी कर दिए है और लिस्ट जारी करने में कम से कम बसपा यहाँ पर आगे निकल गई है और ये बता भी रहा है कि बसपा इस चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ छत्तीसगढ़ में लड़ने जा रही है। ठीक है अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे राजधानी रायपुर में।